अब अगला जादू, ये एक आम सिक्का है, जरा ध्यान से देखिए। डैड, आप मुझसे ये क्यों करवा रहे हैं? तुम एक बहुत बड़े जादूगर हो, तुम्हें जादू पसंद है। पसंद था, अब नहीं है। आबरा का डाबरा, और अब देखिए हाथों का कमाल। देखिए सिक्का गायब हो गया। हाँ, मैं अभी रसल से सवाल जवाब करती हूँ, वो सच उगल देगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है कैडेट, मैं जानता हूँ उसने सिक्के को कैसे गायब किया था। कैसे? छोटे आकार के स्पेक्ट्रोनॉमिक एटम डी सीक्वेंसर से पिघलाकर। मुझे नहीं लगता रसल ने हमारे साथ कोई चाल चली है फिक्सेट, वो भी चालाकी से। देखिए, आपको लगा कि सिक्का मेरे दाएं हाथ में है, लेकिन मैंने उसे अपने बाएं हाथ में रख दिया था। फिर मैंने दाएं हाथ हिलाकर जादुई मंत्र बोला ताकि सबकी नजर जाए मेरे दाएं हाथ पर। इसीलिए किसी को पता नहीं चला मैंने कब सिक्का अपनी जेब में डाला। क्यों, खा गए ना सबके सब धोखा? जादू की भाषा में इसे हाथ की सफाई कहते हैं। डिसेप्टिकॉन का सिग्नल, वो बहुत नजदीक है, वो लगभग स्क्रैपयार्ड के गेट तक पहुंच गया है। डैनी, रसल, फिक्स इट, तुम तीनों छूट जाओ। अगर ये कौन खुद हमारे पास आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। सब बिल्कुल तैयार रहना। ये देखने के लिए नहीं। Transformers Robots in Disguise Season 2 Misdirection. चालाकी नहीं, हमें तुम्हारे दोनों हाथ, यहाँ तक कि तुम्हारे पंजे दिखने चाहिए। स्कॉट मॉक, मेरे साथ ही डिसेप्टिकॉन ने। यकीन नहीं होता, धोखा दिया। क्या कहा इसने? कह रहा है कि किसी डिसेप्टिकॉन ने इसे धोखा दिया है। स्टील जॉ को किसी ने बुद्धू बनाया? मामला जो भी हो, इसे पहले स्टेसिस पॉड में डालते हैं। अगर इसे किसी डिसेप्टिकॉन ने धोखा दिया है तो ये हमारे पास क्यों आएगा? स्टील जो होश में नहीं लग रहा था, शायद इसे पता ही नहीं चला कि वो यहाँ आ गया है। ग्रिम, पॉड का सील फिर से एक बार चेक करो। हम एक बार नहीं, चार बार चेक कर चुके हैं। सही कहा, माफ करना, मुझे बस इस कॉन के सामने बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। लेफ्टिनेंट, मेरे पास कुछ जानकारी है, जानकारी ना होने के बारे में। स्कॉर्पियनॉक का नाम एल्कमोर के कैदियों की लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल सेबरहॉर्न की तरह। बिल्कुल सही कहा, तो मैंने साइबरट्रोनियन के कैदियों का सबसे बड़ा डेटाबेस चेक किया और वो मुझे बाहर मिल गया। स्कॉर्पियनॉक एक धमकाने वाला कौन है, उसने साइबरट्रोन के बाहर रहने वाले सदस्यों को अपना शिकार बनाया था। कायदे कानून ना होते हुए वो सब पर जबरदस्ती करता था, सिर्फ अपनी खुशी के लिए सबके घर तबाह करता था। ये कैसे हो सकता है कि ये डिसेप्टिकॉन एल्कमोर में था, लेकिन इसका नाम एल्कमोर की लिस्ट में नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। स्टील जो एनर्जॉन लीक करते करते यहाँ आया है, एनर्जॉन की लीकेज का पीछा करते करते शायद स्कॉर्पियनॉक तक पहुँच जाए। हम कामयाब होकर रहेंगे।
स्टील जॉ की चोटों से बहुत एनर्जॉन लीक हुआ है और ये सारे निशान उस तरफ जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है? ये एक ड्राइव इन मूवी थिएटर है। इंसान यहाँ गाड़ियों में आकर स्पीकर्स के पास अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और यहाँ फिल्में देखते हैं और वो फिल्म उस स्क्रीन पर दिखती है। वो अपनी गाड़ियों को फिल्में दिखाते हैं, कितने अच्छे हैं। वो खुद देखते हैं। वो यहाँ नहीं है। खामोश, वरना मैं तुम दोनों को यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। वो तेज रफ्तार की बातें करने वाले आए क्यों नहीं? वो किसकी बात कर रहा है? तुम लेट हो। ना खुले रास्ते थे, ना ही खुली राहें थी और ना ही स्टील जॉ है, तो हम जल्दी क्यों आते बताओ? तुमने हमारे बॉस क्रेजी बोल्ड का वक्त जाया किया है। मैं तुम्हें बस एक बार चेतावनी दे रहा हूँ, ये मेरा आइलैंड है, क्रेजी बोल्ड का वक्त भी मेरा वक्त है। और मैं बता दूं कि मुझे एक चीज से सख्त नफरत है और वो है बॉट्स का रोना धोना। बॉट्स का रोना धोना। स्टील जॉ ने हमें यही मिलने के लिए बुलाया था। उसने कहा था वो अपने साथ अच्छे योद्धा लाएगा। अब मैं समझा। उस चालाक और धोखेबाज डिसेप्टिकॉन की बातों में आकर हमने बड़ी गलती कर दी। स्कॉर्पियो यहाँ स्टील जॉ से मिलने आया है, लेकिन स्टील जॉ ने तो कहा था स्कॉर्पियो ने ही उस पर हमला किया है। फिक्स इट, कुछ बोलो। स्ट्रॉन्ग आर्म, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी स्क्रैपयार्ड लौट जाओ। क्रिम और मैं इन्हें संभालते हैं। हुआ क्या है लेफ्टिनेंट? हमें फंसाया गया है। हाँ? ये खुले रास्ते मुझे पुकार रहे हैं स्कॉर्पियोनॉक। और क्रेजी बॉय को जाना ही पड़ेगा। तेज भगाओ और आग लगाओ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना? चलो, बिल्कुल हिलना मत। क्या हम इस बेरफ्तार जगह से दूर नहीं जा सकते बॉस? जल्दी से निपटता हूँ। ये क्या? सबसोनिक फोर्स फील्ड। सही कहा, लेकिन इस बार तुम्हारी मशीनों से छेड़छाड़ करने की गलती नहीं की मैंने। मैं अपनी मशीन लाया हूँ।
इस लाजवाब मशीन ने मेरे चारों ओर कवच बनाकर तुम्हारे क्रायो गैस से भी बचाया और स्टेसिस पॉड को अंदर से इसी ने खोला। इसे छुपाना भी कितना आसान था। मुझे बस किसी तरह यहाँ अंदर घुसना था। कितने भोले हो, मेरे नाटक में फंस गए। बम्बलबी बस आता ही होगा, स्टील जो और फिर तुम। नहीं, वो नहीं आएगा। तुम्हारे सारे दोस्त मेरे दोस्तों के साथ थोड़े से बिजी हैं। अब या तो तुम्हारे दोस्त बचेंगे या मेरे दोस्त। कहीं जाना मत, जा भी नहीं पाओगे। ओ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं जरा अपने पुराने दोस्तों से मिल लूं। अगर आप आग को और आग बबूला करना चाहें तो कर सकते हैं। अब तुम सब स्टेसिस पॉड में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे दो तरह के पॉड से नफरत है, एक रोतलुओं से और डरपोकों से। लड़ो डायनोबॉट। इसी तरह लड़ता हूँ। उसके साथ खेलना बंद करो बॉस, इसे एक ही बार में ढेर कर दो। ऑटोबॉट रुक जाओ। नए और पुराने दोस्तों का मैं वेलकम करता हूँ। अब वक्त आ गया है काम पर लग जाने का। अब बहुत जल्द हम इस ग्रह को डिसेप्टिकॉन्स की जन्नत बनाने वाले हैं। कौन सा काम? मैं तुम्हारे साथ फिर से काम क्यों करूं स्टील जो? तुम और वो पहला डिसेप्टिकॉन हम में से कईयों को स्टेसिस पॉड के अंदर पहुंचा चुके हैं। आजाद भी तो मैंने ही किया ना। तुम यहाँ सो रहे थे पर मैं हमारा सपना साकार करने के लिए दूसरे डिसेप्टिकॉन्स को इकट्ठा कर रहा था। मुझ पर यकीन नहीं करना चाहते हो तो ठीक है थंडर रूफ, खुद जाकर देख लो। इन कोऑर्डिनेट्स पर जाओ। अगर तुम्हें फिर भी भरोसा न हो तो तुम जो करना चाहे कर सकते हो। अगर फिर से कोई चाल चल रहे हो तो जो चाहे सजा देना। जाओ, मैं जल्दी वहां आ जाऊंगा। इन्हें समझाना कितना आसान है, या बहलाना कहूं। खैर छोड़ो, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो तुम्हारे शक्तिशाली हथियारों को देखकर बहुत खुश हुआ था। सोचा उनमें से कुछ ले जाऊं। स्टील जॉ ने बहुत से डिसेप्टिकॉन्स को आजाद कर दिया है, वो इस तरफ गया है। क्या तुम अकेली आई हो? एक नौ सिखिया ऑटोबॉट। जरा संभल कर स्ट्रॉन्ग आर्म। स्ट्रॉन्ग आर्म सुनो, उसकी पूछ पर किक मारो। मैं इतनी नौ सिखिया नहीं हूँ जो तुम जैसों से निपट ना पाऊँ स्टील जॉ। उसे छोड़ना मत। क्या बात है? उससे हम सबका भी बदला लेना। तुम सीख रही हो कैडेट, लेकिन मेरे सामने टिकने के लिए इतनी सी ट्रेनिंग काफी नहीं है।
क्योंकि मेरे पास ताकत के साथ साथ दिमाग भी है। तुम हार गए स्टील जॉ, वो भी एक कैडेट से। तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें एक मुश्किल फैसला करना है स्ट्रॉन्ग आर्म, या तो मुझे आजाद कर दो या अपने दोस्तों को मेरे सबसोनिक फील्ड में तड़पता हुआ देखो। छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे अपना खास हथियार दो तो। अगर तुम ग्रिमलॉक को और चोट नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें स्टील जॉ के बारे में सब बताऊंगा। तुम स्टील जॉ को जानते हो? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ खड़े खड़े अपना बहुत वक्त बर्बाद किया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ रफ्तार से प्यार है और मैं इसे। रुक जाओ। मुझे स्टील जॉ के बारे में जानना है। स्टील जॉ इस ग्रह पर राज करना चाहता है इसके जादू की वजह से। यहाँ कोई जादू नहीं है। मैं भी यही सोचता था। तुम इस ग्रह पर नए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। इसकी शक्ति तुम में आ जाती है। मैं दिखाता हूँ। यहाँ के लोग इसे जादू शक्ति कहते हैं। आबरा का डाबरा, ध्यान से देखो, अभी वो हाथ में था और अब नहीं है। ये तुमने कैसे? हमने तुम्हें बुद्धू बनाया। क्रेम, स्कॉर्पियो और क्रेजी बॉल को पकड़ लो और मिनीकॉन्स को बेहोश ही रखना। मैं अभी आया। जल्दी बोलो स्ट्रॉन्ग आर्म। नहीं नहीं, उससे मैं कभी फैसला नहीं लेता। मैं तुमसे काफी इंप्रेस हुआ कैडेट। एक मिनट, इसमें बहुत सारे बटन्स हैं। सब कुछ ठीक तो है? स्टील जॉ कहां पर है? चला गया और अपने कुछ दोस्तों को भी साथ ले गया है।
फिक्स इट, हमने पॉड्स को बंद कर दिया है, ये अच्छी तरह लॉक हुए है ना? हाँ हो गए हैं लेफ्टिनेंट, हमने जो बदलाव किए हैं वो काम कर रहे हैं, अब सब सोनिक्स की मदद से पॉड्स नहीं खुलेंगे। चलो देर है दुरुस्त है। स्टील जॉन ने अपने साथियों को कहीं भेजा है लेकिन जगह के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिख रहे और वो कह रहा था कि दूसरे कॉन्स के साथ मिलकर वो कुछ सेना बनाएगा। स्टील जॉन पहले भी अपनी सेना बनाना चाहता था, अगर वो फिर से सेना बनाना चाह रहा है तो उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लिया है, फिर तो वो दोगुना खतरनाक हो गया है। शाबाश स्टील जो, तुम्हारे ये सारे जाबाज योद्धा। काम चलाओ है। उस धोखेबाज स्कॉर्पनॉक ने हमें धोखा दिया, लेकिन तुम इतने सारे डिसेप्टिकॉन्स ले आए हो कि अब उसकी जरूरत ही नहीं है। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं स्टील जो, तुम बहुत तरक्की करोगे। Amit Diondi for Russell and Scorponok. Manish Bhavan for Danny. Aditya Raj for Grimlock, Steeljaw. Anita Dukania for Strongarm. Sumit Kaur for Fixit, Cloud, Bloodgeon, Clampdown, Sabrehorn. Shanur Mirza for Bumblebee. Krutar Trivedi for Crazy Bolt, Thunderhoof. Pushkar for Slice Dice. Swapnil Kumari for Glowstrike. Script Translation, Sumita Ganguly. Dubbing Director, Rupali Mehra. Recordist, Nitin.